गाय सिकल सेल डिजीज, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, ये बेसिकली एक सीवियर हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ एनीमिया होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के म्यूटेटेड फॉर्म की वजह से यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनके शेप में यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाती है और वो क्रिसेंट या फिर सिकल शेप में हो जाते हैं एट लो ऑक्सीजन लेवल्स। ये बेसिकली अफ्रीकन पॉपुलेशन में काफी ज्यादा कॉमन है, जिसका रीजन आप अभी आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज होती है रेड ब्लड सेल्स की, तो यहाँ पे गाइस नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो आरबीसीज है उनका जो शेप है वो डिस्क टाइप होता है, जो कि उनको फ्लेक्सीबिलिटी देता है कहीं पे भी फ्लो होने के लिए, इवन थ्रू द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। लेकिन इस डिजीज के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आरबीसीज के शेप में चेंज आ जाता है और वो क्रिसेंट शेप में आ जाते हैं, जो कि रिजेंबल करता है एक सिकल को, जिसकी वजह से वो स्टिकी और रिजिड हो जाते हैं और वो प्रोन हो जाते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स में ट्रैप होने के लिए या फिर ब्लॉक होने के लिए, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचना था उसमें अब ब्लॉकेज या फिर हिंड्रेंस आ गई है, जो कि कॉज करता है टिश्यू डैमेज और पेन को, और साथ ही में आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पे गाइस, सिकल सेल डिजीज एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है, जिसमें एक पर्सन को ये डिजीज होने के लिए उस जीन की दो कॉपी होनी चाहिए। अगर एक कॉपी है तो उसको सिकल सेल ट्रेट कहा जाता है या फिर उसे सिकल सेल डिजीज का कैरियर कहा जाता है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें सिकल सेल डिजीज के मेन कॉज की, तो ये कॉज होता है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसमें ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। तो यहाँ पे गाइस ये जो हीमोग्लोबिन है ये बनता है 4 पेप्टाइड चेन्स की हेल्प से, जो कि आपस में बाउंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हीम ग्रुप। अब यहाँ पे गाइस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं उनके पास इन चेन्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन ए या फिर HbA हीमोग्लोबिन के बारे में, तो ये बनता है 2 अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन की पेप्टाइड चेन से, जिसमें गाइस ये जो HbA हीमोग्लोबिन है यही मेनली अफेक्टेड होता है सिकल सेल एनीमिया के केसेस में। बेसिकली यहाँ पे बीटा ग्लोबिन की जो पेप्टाइड चेन है उसमें शेप चेंज हो जाता है, इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे जो बीटा पेप्टाइड चेन की जो जीन है, जिसको HBB जीन या फिर बीटा ग्लोबिन जीन भी कहा जाता है, उसमें म्यूटेशन की वजह से। अब यहाँ पे गाइस ये जो सिकल सेल डिजीज के केसेस में ये जो म्यूटेशन हो रहा है इसको कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन, जिसमें गाइस ये जो बीटा ग्लोबिन चेन की ये जो पेप्टाइड चेन है इसके 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है ग्लूटामिक एसिड, वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, जिसमें गाइस उस बीटा ग्लोबिन की पेप्टाइड चेन की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो वैलिन है वो होता है हाइड्रोफोबिक और जो दूसरी तरफ ग्लूटामिक एसिड है वो होता है हाइड्रोफिलिक, इसलिए इसको नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। अब यहाँ पे गाइस ये जो सिकल सेल एनीमिया के केस में ये जो हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ है विथ 2 नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन चेन्स एंड 2 म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन्स, इसको कहा जाता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि ये जो सिकल हीमोग्लोबिन है ये जब ऑक्सीजनेटेड होता है तब तो ये ऑक्सीजन को नॉर्मली आराम से कैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब डीऑक्सीजनेशन होती है तो यहाँ पे उनके शेप में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिकल सेल हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन हो जाता है और वो फॉर्म कर लेते हैं एक लॉन्ग पॉलीमर को, और ये कॉज करता है आरबीसी के शेप चेंज को इनटू अ सिकल और अ क्रिसेंट शेप, जिसमें गाइस इस प्रोसेस को सिकलिंग कहा जाता है। और यहाँ पे गाइस जब बार बार ये सिकलिंग होने लगती है तो ये कॉज करती है रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन की वीकनेस में, जिसकी वजह से यहाँ पे आरबीसी प्रीमैच्योरली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये कॉज करता है एनीमिया को, जो कि सिंपली डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन को कहते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें सिकल सेल डिजीज के मेन सिम्टम्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आता है एनीमिया, जॉइंटिस, किडनी और स्प्लीन प्रॉब्लम्स, प्लस साथ ही में यहाँ पे जॉइंट्स में पेन भी होता है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम एट लास्ट बात करें कि ये जो सिकल सेल डिजीज या फिर केवल सिकल सेल का ये जो ट्रेट है ये अफ्रीकन डिसेंट की पॉपुलेशन में क्यों इतना कॉमन है, तो गाइस इसका मेन रीजन है मलेरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मलेरिया कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से। तो यहाँ पे जो लोग सिकल सेल एनीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज के ये जो ट्रेट या फिर कैरियर्स होते हैं, तो जब वो कैरियर्स होंगे तो ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है ये उतना तेजी से अपना इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा, तो बेसिकली इसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली इसको एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज की तरह देखा जाता है उन पॉपुलेटेड एरियाज के लिए जहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, जैसे कि अफ्रीका और सदर्न एशिया के रीजन में। बेसिकली इसको हेट्रोजाइगोट एडवांटेज भी कहा जाता है। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।